रेवाड़ी जिले में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद कराने के लिए अब शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। इन स्कूलों को बंद कराते समय कोई अनहोनी घटना ना हो, इसके लिए जिलाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22 और 23 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 5 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए हैं। आपको बता दें कि रेवाड़ी में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी 5वीं 8वीं यूकेजी प्री नर्सरी नर्सरी कक्षा तक के ऐसे 99 स्कूल शामिल हैं जिन पर जल्द ही प्रशासन की गाज गिरना तय माना जा रहा है। मगर अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन आदेशों को सही ढंग से पालना करता है या फिर किसी राजनीतिक दबाव के चलते यहां भी भाई भतीजावाद का खेल बनकर रह जाएगा। क्या कार्रवाई प्रशासन आगे करेगा ऐसे स्कूलों? इसमें हमने कमेटी गठित करके उन स्कूलों को आइडेंटिफाई किया है जो गैर मान्यता प्राप्त है, और इसमें हमने उन स्कूलों को नोटिस भी दे दिया है। कानूनी रूप से जो कार्रवाई की जानी होती है उसके बाद हमने जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए हैं, और उनको बंद करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। अगर उनके पास किसी प्रकार का कोई सरकार की तरफ से अप्रूवल है, परमिशन है, तो वो दिखा सकते हैं, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और इसके लिए हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। सर, 2017 के अंदर भी लगभग 108 स्कूलों को नोटिस दिया गया था, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई, फिर भी वही स्कूल जो है धड़ल्ले से सामने आते हैं, चलते हैं। इसी कारण हमने दोबारा से सर्वे करवाया है, और उसमें जो पता लगा है उन कॉलेजों स्कूलों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, और उन संस्थाओं के खिलाफ जो है अब कार्रवाई की जाएगी। कब तक उम्मीद है कि स्कूलों पर कार्रवाई हो जाए? जल्दी हमने जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए हैं, और जैसे ही उनको नोटिस का टाइम उनका पूरा होता है हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।